और हम लोग जो एक न्यू स्मार्टफोन्स लेकर आए हैं जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S24 कंप्लीट एडजेड। हम लोग जो स्मार्टफोन के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, फिर उसके बाद रिलीज डेट एंड प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 6.2 इंच के अंदर इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है डायनामिक LTPO AMOLED 2X 120Hz रिफ्रेश रेट्स के साथ आपको डिस्प्ले टाइप्स देखने को मिलेगा। अगर बात करें रेजोल्यूशन की तो यहाँ पर आपको जो है 1080x2340 पिक्सल्स के अंदर आपको स्मार्टफोन की डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। साथ साथ कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास वक्टस 2 के अंदर भी इसकी प्रोटेक्शन की गई है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन में आपको जो एंड्रॉइड 14 1 UI 6.1 आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आपको जो है स्मार्टफोन में चीपेस्ट देखने को मिलता है, जो कि मल्टीमीडिया टास्किंग, वेब ब्राउजिंग एंड गेमिंग को सपोर्ट करता है। अगर बात करें नेटवर्क टेक्नोलॉजी की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स के कैमरास के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन्स में आपको जो है बैक एंड पर 333 रियर कैमरास देखने को मिलते हैं। साथ साथ आपको जो है एक LED फ्लैश लाइट्स देखने को मिलेगी। अगर मेन कैमरास की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल्स के अंदर आपको मेन कैमरा देखने को मिलेगा। साथ साथ आपको जो है 10 मेगापिक्सल्स के अंदर टेलीफोटो लेंस देखने को मिलते हैं। साथ साथ आपको जो है 12 मेगापिक्सल्स के अंदर अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेंगे। अगर बात करें फ्रंट सेल्फी कैमराज की तो 12 मेगापिक्सल्स के अंदर आपको जो है फ्रंट सेल्फी कैमराज देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कैमरा फीचर्स की तो यहां पर आपको जो है डबल LED फ्लैश, HDR, पनोरमा जैसे डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो सपोर्टिंग की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन जो है 4K एंड 8K वीडियोज़ को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स के स्टोरेज के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन में आपको जो है डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर स्टोरेज के ऑप्शंस देखने को मिलती है, जैसा कि 8GB रैम के साथ आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। साथ साथ आपको 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शंस देखने को मिलेगी। अगर 12GB रैम की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है 256GB एंड 512GB इंटरनल स्टोरेज की ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन्स के बैटरी के बारे में। दोस्तों अगर बैटरी की बात की जाए तो 4000 mAh नॉन रिमूवेबल आपको स्मार्टफोन में बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर चार्जिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो है टाइप सी 25W का एक फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम समय के अंदर आपके स्मार्टफोन की बैटरी को बिल्कुल फुल चार्ज कर देगा। अगर बात करें स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, दोस्तों स्मार्टफोन में आपको जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलता है। साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, गैर अप्रॉक्सिमिटी कैंपस जैसे डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें स्मार्टफोन के कलर्स की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन्स आपको जो है ओनिक्स ब्लैक, मार्बल ग्रे, कैबल्ट वायलेट, एम्बर येलो, जैदा ग्रीन एंड ऑरेंज जैसे डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें स्मार्टफोन्स के प्राइस के बारे में, दोस्तों स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आपको जो है $589 के अंदर देखने को मिलती है। आप लोग जो है अपने करेंसी के लिहाज से एक दफ़ा स्मार्टफोन की प्राइस को गूगल करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी करेंसी में इसकी करंटली क्या प्राइस चल रही है। अगर बात करें रिलीज डेट की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है वो 17 जनवरी 2024 को ही मार्केट में लॉन्च किया गया था। आई होप सो दोस्तों हमने स्मार्टफोन के बारे में एक जो शॉर्ट सा कवर व्यू किया है आपको इसकी कंप्लीट एडजस्ट समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई मजीद डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अब तक हमारे ऐसे लेटेस्ट अपडेट वीडियोस टाइम टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।